हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर काफ़ी सारे नए क्रिएटर्स को एक प्रॉब्लम अपने चैनल पर देखने को मिल रही है कि उनके चैनल के ऊपर 50 सब्सक्राइबर तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ है। मतलब वो अपने YouTube चैनल के ऊपर लाइव नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो लाइव मिलता था वो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मिलता था, लेकिन जब से YouTube का नया अपडेट आया है तो वो 50 सब्सक्राइबर पे ही मिलने लग गया है। तो इसलिए यूट्यूबर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर भी हो गए लेकिन अभी तक हमें यूट्यूब लाइव का ऑप्शन नहीं मिला है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के साथ साथ आपको और भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फुलफ़िल करनी पड़ती हैं यूट्यूब पे। वो सारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है जिससे आपके चैनल के ऊपर 50 सब्सक्राइबर पे आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो है पर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी लास्ट वीडियो पे जिसका सबसे पहला कमेंट आया था उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज़ जाके इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। और इनके चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, प्लीज़ जाके वहाँ से भी इनके चैनल को ज़रूर चेकआउट करें और इन्हें पूरा पूरा सपोर्ट करें। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में आसान तरीके से समझा देता हूं कि क्या क्या आपको चाहिए अपने चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर्स, कम से कम 50 सब्सक्राइबर आपके चैनल के ऊपर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नो लाइव स्ट्रीमिंग रिस्ट्रिक्शंस विद इन द लास्ट 90 डेज ऑन योर चैनल, मतलब पिछले 3 महीने के अंदर आपकी जो चैनल है उसके ऊपर कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आना चाहिए, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है यहाँ पे टू वेरीफाई योर चैनल, मतलब आपका चैनल जो है वो वेरीफाई होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर उसमें वेरीफाई होना चाहिए। उसमें मोबाइल नंबर का ही सबसे पहले काम होता है जब आप नया चैनल बनाते हैं, ठीक है, उसे वेरीफाई करना होता है। उसके बाद यहाँ पे टू इनेबल लाइव स्ट्रीमिंग यू मे नीड टू वेट 24 आवर्स बिफोर यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट लाइव स्ट्रीम, मतलब आप जब अपनी पहली लाइव स्ट्रीम करेंगे कि मान लीजिए आपके चैनल के ऊपर 50 सब्सक्राइबर हो गए, आपके चैनल पे पिछले 3 महीने में पिछले 90 दिनों में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका चैनल वेरीफाई भी है, तो फिर भी आपको 24 घंटे तक वेट करना है, उसके बाद आप लाइव स्ट्रीमिंग अपने चैनल के ऊपर कर पाएंगे। मतलब सब कुछ अगर सही है तब भी आपको 24 घंटे तक वेट करना है और उसके बाद आपके चैनल पे आप अपने YouTube लाइव स्ट्रीमिंग को ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा आपके चैनल के ऊपर और आप उसे यूज कर पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज और है कि आपका जो फोन है एंड्रॉयड है वो 5+ का होना चाहिए, तो मोस्टली ये सबके 5+ में ही होंगे, तो इसके लिए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। पर ये बाकी जो 4 पॉइंट हैं ये आपके जरूर होने चाहिए, क्योंकि फोन तो ये सबके जो एंड्रॉयड आ रहे हैं वो 5+ ही हैं, ये तो काफी पुराना है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप 50 सब्सक्राइबर पे भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन इनेबल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता लग गया होगा कि 50 सब्सक्राइबर के साथ साथ आपको किन किन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है और उसके बाद आपके चैनल के ऊपर जो YouTube लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।